क्या आपने कभी एक ऐसा मटेरियल देखा है जो अपने शेप को याद रख सके, अर्थात एक ऐसा मटेरियल जिसे हीट करने पर वह अपने शेप को बदल ले, अर्थात जो अपने पुराने शेप में आ जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही मटेरियल के बारे में जिसे हीट करने पर वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है और जो अपने शेप को याद रख सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल फ्लाइंग इंजीनियर में। आज जिस मटेरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे निटिनोल के नाम से जाना जाता है, जो कि निकल और टाइटेनियम की बराबर मात्रा से बना होता है। जब निटिनोल को हीट किया जाता है तो ये अपने पुराने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अर्थात इसमें अपने पुराने शेप को याद रखने की प्रॉपर्टी होती है जिसे शेप मेमोरी इफेक्ट कहा जाता है। केवल निटिनोल ही नहीं, साइंटिस्ट और भी बहुत से ऐसे मटेरियल बना चुके हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इन मटेरियल्स को शेप मेमोरी अलॉय के नाम से जाना जाता है। लेकिन निटिनोल मटेरियल के अंदर ये शेप मेमोरी इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसका मेमोरी शेप स्टोर करने के लिए इसे डिज़ायर्ड शेप में बाउंड करके कुछ टाइम के लिए लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तथा उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है, जिसके कारण इसमें इसका मेमोरी शेप स्टोर हो जाता है। इसके बाद जब इसके ओरिजिनल मेमोरी शेप को डिस्टोर्ट किया जाता है और फिर इसे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वापस हीट किया जाता है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह इस मटेरियल के अंदर एक सुपर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसमें जब इस मटेरियल के शेप को फोर्सफुली बदला जाता है और जब इस फोर्स को रिलीज़ किया जाता है तो ये मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दरअसल इस मटेरियल में रूम टेम्परेचर पर ही शेप मेमोरी इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करना ही सुपर इलास्टिसिटी कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग इंजीनियर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।